नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा जिला से, जहां पर बिहार के दूसरे तारामंडल में अब लोग जा सकेंगे। आम लोगों के लिए कल से ये खुलने जा रहा है। समाधान यात्रा में दरभंगा आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन किया था, जिसके बाद अभी तक सिर्फ छात्र छात्राएं ही शो देख पा रहे थे। अब कल से सभी उम्र के लोगों के लिए ये खुलने जा रहा है। तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय के अधिकारी ने बताया कि तारामंडल को 15 जून के बजाय 10 जून से ही आम लोगों के लिए चालू करने का निर्णय ले लिया गया है। शो का समय निदेशालय स्तर से तय किया गया है। तारामंडल के लिए बुकिंग ऑनलाइन भी होगी। काउंटर से बुकिंग का निर्णय बाद में लिया जाएगा। शो का समय निर्धारित किया गया है, दिन के 11 बजे से 11:45 बजे तक 2D शो दिखाया जाएगा, जिसके लिए दर्शकों का प्रवेश समय दिन के 10:30 बजे से निर्धारित किया गया है। दिन के 12:15 बजे से 1 बजे तक 3D शो दिखाया जाएगा, जिसके लिए दर्शकों का प्रवेश समय 12 बजे से निर्धारित किया गया है, जबकि दिन के 2:15 बजे से 3 बजे तक पुनः 2D शो दिखाया जाएगा, जिसके लिए प्रवेश का समय 2 बजे से निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 3:15 बजे से 4 बजे तक 3D शो दिखाया जाएगा, प्रवेश का समय 3 बजे निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्किंग शुल्क का भी निर्धारण कर लिया गया है। संदीप तिवारी प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज तारामंडल प्रभारी है, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। उन्होंने सभी बातों पर जिक्र किया है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात दरभंगा वासियों के लिए ही नहीं, दरभंगा मधुबनी सहित अन्य जिलों के वासियों के लिए भी है कि तारामंडल बिहार के दूसरे तारामंडल दरभंगा में अब कल से खुलेगा और आप आसानी से देख पाएंगे। बता दें www.dstbihar.softsoftelsolutions.in पर आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। आज की तारीख में लगभग 4,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हमारे घर के चारों ओर मंडरा रहे हैं। हमारा जीवन उन पर पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी हम उनके बारे में कम नहीं सोचते हैं। साइंस फिक्शन के रोबोट से काफी अलग दिखने वाले सख्त ढांचे और अद्भुत चेतनाओं से सज इन लोगों ने सबसे खतरनाक मनोहर एजेंटों को निकालने में हमारी मदद की है। अनोखी जगहों के सबसे साहसी अन्वेषण किए। हमने 200 दूर ग्रहों की सतहों को खोदकर उनका परीक्षण तक किया है। मानव की मर्यादा से परे ऐसी सेंसर सिस्टम का उपयोग करके उन्होंने घने और जहरीले वातावरण में छिपे विष्णु को ढूंढ निकाला है। और कुछ जो कई सदियों से आंतर बहिर आकाश के भयप्रद विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे, उन्होंने ये सारे पत्रकारों के लिए हमने शो रखा था। आई थिंक आप सबने शो एंजॉय किया होगा। अब ये कल से आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा तारामंडल, जिसमें कि आम पब्लिक थ्रू ऑनलाइन बुक करके ये शो देख सकती है। अभी स्टार्टिंग में हम 2 शो फर्स्ट हाफ में, 2 शो सेकेंड हाफ में दिखा रहे हैं। अगर पब्लिक ज़्यादा आएगी या कुछ ज़्यादा डिमांड होगी तो इसको बढ़ा के हम 300 फर्स्ट हाफ में और 300 सेकेंड हाफ में रखेंगे, जिसमें 6 साल तक के बच्चे फ्री हैं। 6 साल से ज़्यादा अगर उम्र है, ₹50 हम लोगों ने 2D का शुल्क निर्धारित किया है और ₹70 हम लोगों ने 3D का शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था भी अंदर रीजनेबल रेट में की है। पार्किंग की जो टाइमिंग है वो हमने लिमिटेड रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मार्केट जा रहा है या गाड़ी खड़ी करके चला गया तो सुरक्षा और बाकी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने 1.5 घंटे के लिए पार्किंग का स्लॉट अलॉट किया है। तो 10:30 से एंट्री हो सकती है, 11 बजे से शो चलेगा। शो की टाइमिंग जो है वो 30 से 45 मिनट तक वैरी करती है शो के हिसाब से। शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना यहाँ का तारामंडल को ऑपरेशनल बनाना था, वो कल से आम पब्लिक के लिए खुल जाएगा।